हेलो माय डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज प्रियल आई वेलकम यू ऑल टू द एमएम एकेडमी होपफुली द स्टडीज आर गोइंग वेल आज मैं आपको करा रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सी सेट जिसको आप बोल सकते हो यूपीएससी का पेपर टू तो डायरेक्टली टाइम वेस्ट किए बिना हम देखते हैं यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओके बट उससे नलो को नेक्स्ट क्वेश्चन अ मैन वॉक सेवन पॉइंट फाइव किलोमीटर स्पीड ऑफ थ्री के एम पी एच

अब बोला जा रहा है उसने कुछ और जर्नी ट्रेवल की हमको नहीं पता कितनी की तो हमने मान ली कितनी एक्स किलोमीटर अब उस एक्स किलोमीटर को कुछ अलग स्पीड से उसने ट्रेवल किया लेकिन ओवरऑल आपको मेंटेन क्या करके बताना है वो बोल रहा है ओवरऑल उसने मेंटेन किया एवरेज कितनी स्पीड फोर के एम पी एच ओके okay, अब उसकी ओवरऑल एवरेज स्पीड कितनी आ गई उसकी एवरेज स्पीड आ गई फोर के एम पी लेकिन यहाँ पर एक और हिंट क्या दिया आपको क्वेश्चन में सपोज ए से बी तक तो उसको आपको तो उसने सेवन पॉइंट फाइव किलोमीटर कवर किया लेकिन यहाँ पर गिवन है बी से सी तक की जर्नी उसने कितना समय लिया इसको करने में दो घंटे और लिए तो दो घंटे इसको यहाँ से बी से सी तक जाने में लगे तो देखिए आपको यहाँ पे टाइम गिविन नहीं है टी और यहाँ पे लेकिन आपको टाइम गिवेन है टी लेकिन यहाँ पे आपको टीवन डायरेक्टली मिल सकता है कैसे देखिए टाइम क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड स्पीड कितना गिवन गिवन है 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 आपको है और कितनी तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो सिंपली क्या आ जाएगा आपका टू पॉइंट फाइव आ जाएगा ये क्या हो गया आपका टीवन विच इज टाइम वन तो आप क्या बोल सकते हो ए से बी तक जाने में आपको टाइम कितना लगता है टीवन विच इज टू पॉइंट फाइव आर और बी से सी तक जाने में आपको गिवन है टी टू कितना है टू आवर्स तो टोटल ए से सी तक मतलब उसकी टोटल जर्नी यहां से स्टार्ट हुई और यहां पे एंड हुई ओके okay? तो टोटल जर्नी ए से सी तक उसको टोटल टाइम कितना लग गया टू पॉइंट फाइव प्लस टू आवर्स विच इज फोर पॉइंट फाइव आवर्स तो ये क्या हो गया उसका टोटल जर्नी टाइम फोर पॉइंट फाइव आवर्स ओके अब आपसे पूछा एक्चुअली क्या गया है व्हाट द स्पीड अ मैन नीड अब आपसे पूछा गया है बी से सी तक उसको कितनी स्पीड लगेगी जिसके कारण उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाए फोर के एम पी एच हो जाए तो देखिए इसको कितना समय लगा टू पॉइंट फाइव अवर्स ए से बी तक के लिए और बी से सी तक के लिए टू आवर्स ओके okay. अब यहां पे आप कैसा कंसेप्ट यूज कर सकते हैं आपको निकालनी है सिंपली स्पीड तो स्पीड क्या होती है आपकी स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम तो आप ये कंसेप्ट यूज करके यहाँ पे डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं कैसे देखिए देखिए आपको एवरेज स्पीड दी है अब एवरेज स्पीड क्या होता है एवरेज स्पीड होता है आपका टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम ओके okay? तो यही कंसेप्ट आप यूज करेंगे कैसे देखिए आप टोटल डिस्टेंस क्या निकालेंगे ए से बी तक का प्लस बी से सी तक का टोटल डिस्टेंस क्या हुआ आपका ए से बी प्लस बी से सी और टोटल टाइम क्या हो गया आपका सिंपली टू पॉइंट फाइव प्लस टू विच इज फोर पॉइंट फाइव तो यहां से क्या मिलेगा आपको एवरेज स्पीड मिलेगी और एवरेज स्पीड आपको ऑलरेडी गिवन है ये किसकी इक्वल हो जाएगी आपके एवरेज स्पीड फोर के एम पी एच के ओके तो यहां से डायरेक्टली आपका आंसर मिलेगा आपको वैल्यू किसकी चाहिए इस वाली स्पीड की ओके तो देखिए तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है आपका सेवन पॉइंट फाइव प्लस एक्स ये टोटल डिस्टेंस हो गया टोटल टाइम कितना है आपका टू पॉइंट फाइव प्लस टू विच इज फोर पॉइंट फाइव ओके तो यहाँ डायरेक्टली इसको काटके फोर पॉइंट फाइव लिख लेते हैं ये किसके इक्वल होना चाहिए ये एवरेज स्पीड के बराबर होना चाहिए विच इज फोर ओके अब देखिए यहाँ पे अननोन कौन है ये डिस्टेंस एक्स तो यहाँ से डायरेक्टली किसकी वैल्यू मिलेगी आपको डिस्टेंस की सबसे पहले ये डिस्टेंस की किलोमीटर्स में ओके okay? अब देखिए आपकी वैल्यू कितनी हो गई फोर इंटू फोर पॉइंट फाइव ये किसकी इक्वल हो जाएगी सेवन पॉइंट फाइव प्लस एक्स की इक्वल हो जाएगी अब देखिए यहाँ पे फोर इंटू फोर पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव का ट्वाइस कितना होता है नाइन होता है तो फोर टाइम्स क्या हो जाएगा एटीन हो जाएगा अब देखिए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी एटीन में माइनस कर देंगे आप सेवन पॉइंट फाइव तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी इलेवन पॉइंट फाइव अब डिस्टेंस कितना कहलाया आपका बी से सी तक का ये डिस्टेंस मिला आपको इलेवन पॉइंट फाइव ओके okay, अब तो सिंपल हो गया आपका क्वेश्चन आपको स्पीड चाहिए ओके okay? तो स्पीड क्या हो जाएगी सिंपली डिस्टेंस को डिवाइड कर दो टाइम से तो यहाँ पे आपको स्पीड की वैल्यू आ जाएगी विच इज ओके क्या आ जाएगी आपका डिस्टेंस क्या है इलेवन पॉइंट फाइव टाइम क्या है आपका टू आवर्स तो इसको सॉल्व करिए ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी फाइव पॉइंट टू फाइव और आंसर किस में आएगा आपका स्पीड यूनिट है तो आंसर आएगा आपका किलोमीटर पर आवर में और ये ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर सी शफल हो गए थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा ओके okay? ये वाला ऑप्शन ठीक है अब क्या बोला जा रहा है राम सीता और एक पर्सन कौन है सीता है एक दूसरे के तरफ जा रहे हैं ओके अब बोला जा रहा है एक की स्पीड कितनी मेंटेन है राम की स्पीड आठ किलोमीटर पर आर मेंटेन है और सीता की स्पीड कितनी है सीता की स्पीड टू किलोमीटर आर है सीता कंपेरिटिवली स्लो है अब बोला जा रहा है ओवर अ रोड ऑफ़ वन सिक्सटी किलोमीटर लॉन्ग अब बोला जा रहा है ये जो डिस्टेंस है जिसपे ट्रेवल कर रहे हैं ये कितना है एक सौ साठ किलोमीटर दूर है एक दूसरे से जब उनने अपनी जर्नी स्टार्ट करी ओके राम सपोज यहाँ है और सीता सपोज यहाँ इन दोनों के बीच का के डिस्टेंस कितना है 160 किलोमीटर अब पूछा जा रहा है हाउ सून विल दे मीट आपको टाइम बताना है किस टाइम पे ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे को मीट कर जाएंगे मतलब राम और सीता की पोजीशन क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी ओके अब देखिए यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज होगा अब देखिए टाइम ऑफ मीटिंग ये किसकी इक्वल होता है ये टाइम ऑफ मीटिंग टोटल डिस्टेंस के बराबर होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड ओके okay, अब देखिए टोटल डिस्टेंस तो आपको पता है राम ने यहां से ट्रेवल किया सीता ने यहां से ट्रेवल किया टोटल डिस्टेंस तो कितना कवर हुआ 160 किलोमीटर हो गया तो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू तो एक किलोमीटर आ गई अब रिलेटिव स्पीड की वैल्यू क्या होती है रिलेटिव स्पीड की वैल्यू होती है आपकी v माइनस यू अब v माइनस यू क्या होता है देखिए आप अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सपोज आपका ये ओरिजिन है ठीक है तो आप इस डायरेक्शन क्या मानेंगे पॉजिटिव मानेंगे अगर इस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं और इसके ऑपोजिट जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा ऐसे नॉर्थ में भी वैलिड होता है नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव मानेंगे साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव मानेंगे मोस्टली हम ईस्ट डायरेक्शन को क्या मानते हैं पॉजिटिव और वेस्ट डायरेक्शन को क्या मानते हैं नेगेटिव तो देखिए आप सिंपली क्या करेंगे बी और यू की वैल्यू कैसे रखेंगे जाने में इसकी स्पीड कितनी थी आठ के एम पी एच और पॉजिटिव डायरेक्शन है तो तो प्लस एट ले ली लौटते टाइम्स का डायरेक्शन क्या है वेस्ट डायरेक्शन है ना 2 की स्पीड से ला रहा है तो -2 कहलाएगी इसकी स्पीड अब देखिए ये कहला है आपका u और ये कहला है आपका v या फिर उल्टा ही बोल सकते हो ये हो गया आपका v ये हो गया आपका u तो देखो आपका v कितना है 8 है u कितना है ऑफ -2 तो यहां से आपको वैल्यू कितनी मिल रही है 8 plus 2 व्हिच इज 10 ओके okay, और ऊपर कितना मिला आपको 160 मिला 160 का जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ तो आंसर क्या आ गया आपका 16 अब ये वैल्यू किसकी है टाइम की है तो आपको आंसर काय में आया आर्स में आया क्योंकि आपका डिस्टेंस किस में था किलोमीटर में और स्पीड किस में थी किलोमीटर पर आर में तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हुआ ये आर ऊपर आ गया तो आपको टोटल टाइम कितना लग गया सोलह घंटे ओके तो आंसर करें क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन की तरफ जा रहा है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो क्या हो रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जब आप इंटरसेक्ट करा रहे हैं तब उनका इंटरसेक्टिंग टाइम क्या हो जाता है उनका इंटरसेक्टिंग टाइम हो जाता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड ओके टोटल डिस्टेंस कितना था 160 रिलेटिव स्पीड क्या हो गई ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा है तो प्लस एट ये उसके ऑपोजिट कर रहा है तो माइनस टू तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है वी वन माइनस ऑफ वी टू तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ गई एट माइनस ऑफ माइनस टू तो यहाँ किलोमीटर पर आवर अनाटी किलोमीटर एट स्पीड ऑफ थर्टी नाइन एंड थर्टी नाइन किलोमीटर अगेन एट स्पीड ऑफ फिफ्टी टू किलोमीटर पर आवर फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर जर्नी अब देखिए आपसे बोला जा रहा है एक पर्टिकुलर पर्सन था ए ठीक है उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी पहले उसने थर्टी नाइन किलोमीटर कवर किया कितनी स्पीड से कवर किया छब्बीस की स्पीड से कवर किया देन उसके बाद अगेन उसने थर्टी नाइन किलोमीटर कवर किया कितने की स्पीड से किया अब उसकी स्पीड चेंज हो गई कितनी आ गई उसकी स्पीड थर्टी नाइन आ गई तो यहां पे थर्टी नाइन की हो गई स्पीड अब नेक्स्ट फिर से क्या हुआ उसने अगेन थर्टी नाइन किलोमीटर कवर किया और अब उसकी स्पीड कितनी हो गई अब उसकी स्पीड हो गई फिफ्टी टू अब देखिए डिस्टेंस डी वन डी टू और डी थ्री तीनों एक बराबर है डी वन इक्वल टू डी टू इक्वल टू डी थ्री किसके बराबर है ये थर्टी नाइन के बराबर है लेकिन देखिए स्पीड अलग अलग है तो यहाँ पे आपके एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया जाता है ये समझिए थ्री टाइम्स ऑफ वन बाय स्पीड वन प्लस वन बाय स्पीड टू प्लस वन बाय स्पीड थ्री ओके या फिर इसको क्या बोल सकते हो आप थ्री टाइम्स ऑफ एस वन एस टू एस थ्री डिवाइड बाय एस वन एस टू प्लस एस टू एस थ्री प्लस एस थ्री एस वन ओके ये आपका क्या होता है डायरेक्टली एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ओके okay? अब ये वैल्यू डायरेक्टली आप यहां रख लेते हैं फॉर्मूले में इसको मैं रेज ऑफ ही कर देती हूं. देखिए सिंपली आपका फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का आपका फॉर्मूला है थ्री टाइम्स ऑफ ए बी सी ए बी क्या है ए आपका हो गया छब्बीस बी कितना हो गया थर्टी नाइन और सी कितना हो गया फिफ्टी टू तो छब्बीस इंटू थर्टी नाइन इंटू फिफ्टी टू डिवाइड बाय ट्वेंटी सिक्स इंटू थर्टी नाइन प्लस थर्टी नाइन इंटू फिफ्टी टू प्लस फिफ्टी टू इंटू ट्वेंटी सिक्स अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए सॉल्व करने में आपका आंसर क्या आएगा आपका आंसर आएगा थर्टी सिक्स किलोमीटर ओके अब इतना तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा कैसे ना कैसे ओके okay? इतना तो कैलकुलेशन आपको क्वेश्चन में करनी पड़ेगी अब नेक्स्ट देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए ये आपके इस वाले क्वेश्चन पे बेस्ड है आपने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था सेम ही क्वेश्चन है देखिए देखिए आपसे बोला जा रहा है टू ट्रेन लीव न्यू दिल्ली एट सेम टाइम दो ट्रेन न्यू दिल्ली से लीव कर रही है सेम टाइम पे लीव कर रही है वन ट्रेवलिंग टूवर्स तो द नॉर्थ कितनी स्पीड से सिक्सटी की स्पीड से और दूसरी ट्रेवल कहाँ कर रही है टूवर्स द साउथ स्पीड कितनी है फोर्टी आफ्टर हाउ मेनी आवर्स द ट्रेन विल 150 मीटर अपार्ट अब इस क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट क्या है देखिए यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है एक पर्टिकुलर स्टेशन है कहाँ का स्टेशन है आपका न्यू दिल्ली का ओके okay. यहाँ पे कौन सी ट्रेन है ट्रेन वन है और ट्रेन टू है एक ट्रेन कहाँ जा रही है नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है जो है ट्रेन वन नॉर्थ डायरेक्शन में और दूसरी ट्रेन कौन है ट्रेन टू जो जा रही है आपकी साउथ डायरेक्शन में अब बोल च... अब यहाँ पे बोला जा रहा है आपको वो टाइम बताना है जिसमें इनके बीच की दूरी कितनी हो जाए इन दोनों के बीच की दूरी डेढ़ सौ किलोमीटर आ जाए ये आपको टाइम बताना है आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था उसमें क्या हुआ था दो पर्टिकुलर जो लोग थे वो क्या हो रहे थे एक दूसरे के पास आ रहे थे लेकिन यहाँ क्या डिफरेंट हो रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये कहाँ जा रहे हैं एक दूसरे से अपार्ट जा रहे हैं मतलब दूर जा रहे हैं ओके देखिए कंसेप्ट तो सेम यूज होगा भले एक दूसरे के पास आए या फिर एक दूसरे से दूर जाए टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे टाइम हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया डेढ़ सौ किलोमीटर बोला है तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर दी वन फिफ्टी किलोमीटर यहाँ बना देते हैं देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है वन फिफ्टी किलोमीटर एक दूसरे से अपार्ट होना है इनको अब रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी देखिए ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है तो इसकी प्लस हुई ये साउथ डायरेक्शन में जा रहा है तो इसकी माइनस हुई तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है V minus U होती माइनस यू यू कितना दिया है आपको फोर्टी तो U, U लेकिन ये माइनस में माइनस फोर्टी ये आपका प्लस सिक्सटी है तो देखिए यहाँ माइनस फोर्टी रखा तो देखिए सिक्सटी प्लस फोर्टी कितना मिला आपको हंड्रेड मिल गया और ऊपर कितना मिला 150 मिला इसको सॉल्व किया तो यहां से जीरो से जीरो कैंसिल आउट किए फाइव थ्री 5 फाइव टू तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है थ्री बाय टू आर्स आ रही है अब थ्री बाय टू आर्स मेंशन है आपका ऑप्शन नंबर ए e में, में मेंशन है तो यहां पे आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लियर अब ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में हम इसी से स्टार्ट करते हैं देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है सेकंड क्वेश्चन ये है ओके आप ट्राई करिएगा उनको खुद से सॉल्व करने का एक ही पे ये दोनों क्वेश्चन आपके बेस्ड है सिंपली आपको करना क्या है यहाँ बोला जा रहा है टोटल टाइम टिकिन बाय अ पर्सन गोइंग टू अ तु प्लेस बाय वॉकिंग रिटर्निंग बैक बाय साइकिल यहाँ पे देखिए आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी सिंपली क्या बोला जा रहा है वोकिंग वॉकिंग प्लस साइकिलिंग इसमें टोटल इनको टाइम कितना लग जाता है फाइव आवर्स फोर्टी फाइव लग जाता है अब बोला जा रहा है जब वो पर्सन अकेला साइकिलिंग से जाता है जाना साइकिलिंग से आना साइकिलिंग से पहले क्या हो रहा था जाते जा टाइम आया तो उसकी जाने की साइकिल प्लस आने की साइकिल दो डिस्टेंस उसके साइकिल से कवर हुए तब उसको कितना समय कम लगने लगा उसको दो घंटे कम लगने लगे मतलब पहले इतने घंटे लग रहे थे अब उसमें से दो घंटे कम लगने लगेंगे मतलब थ्री आवर्स फोर्टी फाइव मिनट्स लगने लगेंगे अब पूछा जा रहा है कि जब वो वॉक करते हुए दोनों जनरी करेगा मतलब जाते टाइम भी क्या करेगा वॉक करके जाएगा लौटते टाइम भी वॉक करते आएगा तब आपको बताना है उसको टोटल टाइम कितना लगेगा तो देखिए वॉकिंग जाते टाइम प्लस वॉकिंग आते टाइम इसकी वैल्यू निकालनी है आपको किस में आर्स में तो देखिए यहाँ से सिंपली क्या करेंगे आपको टू की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से तो सी की वैल्यू मिल गई यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया आपने टू से सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहां पे आपने इसको कैंसिल किया तो ये कितना हो गया कितना मिनट ट्वेंटी पॉंट पॉंट फाइव टू पॉइंट फाइव मिनट ये किसकी वैल्यू मिली आपकी सिंगल जर्नी बाय साइकिल ओके इसको आपने कहा पुट कर दिया इस वाली इक्वेशन में तो यहां से आपको डब्ल्यू की वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्टली ओके जैसे ही आपको डब्ल्यू की वैल्यू मिली उसको आपने कर दिया टू इन डब्ल्यू तो यहां से आपको टोटल जर्नी टाइम मिल जाएगा वॉकिंग का ओके okay? तो आप इसको खुद से ट्राई करिएगा सेम ऐसी क्वेश्चन ये वाला भी है ओके okay? तो अब मैं करूंगी एंड अपनी क्लास का अगर पसंद आई हो क्लास तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग